गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य विशेष के अंतर्गत हमने पूरा कोर्स सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है और मध्य प्रदेश के इन सभी 40 वीडियो के अंतर्गत हमने किन किन मुद्दों पर चर्चा की है, आज हम उन मुद्दों को थोड़े से शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं कि मैंने उनमें क्या क्या चीज़ों को आपको व्यवस्थित रूप से पढ़ाया है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के जो प्रारंभिक वीडियो हैं, जो पहले दूसरे तीसरे चौथे के आसपास जो वीडियो हैं, उन वीडियोस में हमने सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा है। सामान्य परिचय से मतलब है कि मध्य प्रदेश जो राज्य है उसमें कितने जिले हैं, मध्य प्रदेश राज्य में जो राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पशु पक्षी, जितनी भी चीज़ें हमने हैं वो फसलों के बारे में, राज्य फसल जो है, ये सब चीज़ें इसमें हम लोग चर्चा कर चुके हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन को लेकर के है। मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन जो कि 1956 में और सन 2000 में हुआ था, दो बार मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ। और ऐतिहासिक रूप से पहले मध्य प्रदेश किन क्षेत्रों से बना हुआ था, जिसमें सीपी बरार, मध्य प्रांत और इन भोपाल प्रांत, इनको जोड़ करके एक मध्य प्रदेश बनाया गया था। पहले नागपुर राजधानी था और नागपुर को वहां से हटा करके महाराष्ट्र को दे दिया गया था। तो इस तरह की जानकारियां मैंने इसमें जो है कोशिश की है कि आपको दी। और साथ ही 2000 में दोबारा से मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो जाता है, जिसमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग हो जाता है, यानी छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके भारत का 26वां राज्य बनाया जाता है, जिसमें 84वें संविधान संशोधन के बारे में भी मैंने यहाँ पर जिक्र किया है। तीसरे टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ा है। मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत मध्य प्रदेश के पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश की नदियाँ के बारे में पढ़ा है। मध्य प्रदेश की नदियों के अलावा मध्य प्रदेश के जितने भी नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की है। इसी के अलावा हमने मध्य प्रदेश के इतिहास की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो इतिहास है, उस इतिहास में हमने मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, प्राचीन मध्य प्रदेश या प्राचीन भारत में मध्य प्रदेश के कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने मध्य प्रदेश के किसी भी जिले पर निवास किया हो या राज किया हो। ज्यादातर विदिशा से लेकर के राजाओं के यहाँ पर जिक्र होता है। मध्य प्रदेश के इतिहास में मध्यकालीन भारत के इतिहास भी हमने पढ़ा है, जिसमें मध्यकालीन मध्य प्रदेश के इतिहास के राजाओं का, राजा महाराजाओं का और पराक्रमियों का वर्णन यहाँ पर किया गया था। वहीं मध्य प्रदेश के इतिहास में जो तीसरा सेगमेंट जो आता है वो है मध्य प्रदेश का वर्तमान इतिहास। इसमें मध्य प्रदेश के जो आधुनिक भारत का जो इतिहास है, यानी आधुनिक इतिहास में जो जो राजाएं हुए थे, मध्य प्रदेश के सभी राजवंशों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। इतिहास में हमने, देखिए, अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो अर्थव्यवस्था से भी जुड़ते हैं और भूगोल से भी जुड़ते हैं, तो अगर मैं उसको इतिहास में ही जोड़ दूँ या भूगोल में या अर्थव्यवस्था में जोड़ दूँ तो MPGK में ऐसा ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आता है। जैसे जनजातियों की बात करें तो जनजातियों को मैंने आपके इतिहास वाले सेक्शन में डाल दिया है, चूंकि वो अर्थव्यवस्था और भूगोल दोनों से भी कम जो है रिलेट करता है। तो जनजातियों के बारे में मैंने बताया है, उनकी कैसी प्रथाएं होती है और क्या है, कितनी है और कहाँ कहाँ मिलती है, ये बताया गया है। जनजातियों के अलावा लोकगीत, लोकनाट्य और लोक गायन शैलियों तथा चित्रकारिता के बारे में भी मध्य प्रदेश के बारे में ये बताया गया है। इसके बाद मैंने चर्चा की है, वो इतिहास में इसी बात की चर्चा भी की है कि मध्य प्रदेश के महल कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश के किले कौन कौन से हैं और मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन क्षेत्र कौन कौन से, इसके बारे में भी हमने चर्चा की। वहीं इसी दौरान हमने चर्चा की है मध्य प्रदेश की प्रमुख शैल चित्र गुफाएं कौन कौन सी हैं, तो प्राचीनतम जो गुफाएं मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह पर मिले हैं उसकी भी चर्चा मैंने अपने वीडियो के दौरान की है। मध्य प्रदेश में कुछ विशेष व्यक्तित्व की भी बात की है, तो मुझे विशेष व्यक्तित्व जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी भाई, ठीक है, टंटिया मामा, सिंगाजी, संत सिंगाजी, ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में मैंने चर्चा की। उसी के साथ साहित्यकार, हिंदी साहित्यकार, जिसमें प्राचीन मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के इतिहास में साहित्यकारों की क्या क्या भूमिका रही और कौन कौन से इतिहासकारों ने क्या क्या रचनाएं लिखी, उसकी भी चर्चा मध्य प्रदेश राज्य विशेष के इन वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको दी है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था वाले टॉपिक में मैंने मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन, मध्य प्रदेश के औद्योगिक संसाधन और क्या कारण है कि मध्य प्रदेश खनिजों में पिछड़ा हुआ है, उद्योगों में पिछड़ा हुआ है। साथ ही मध्य प्रदेश की कृषि के बारे में, कृषि कितने प्रकार की कृषि होती है, किस तरह का, पशुपालन वगैरह जो है इनके बारे में भी चर्चा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमने की है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के अंदर एक कुछ और चीजें नई जोड़ सकते हैं हम। जब भी आपका नया बजट आता है या बजट से संबंधित जो भी सरकार घोषणा करती है, कुछ योजनाएं लेकर के आती है, तो जितनी भी मध्य प्रदेश की वार्षिक स्कीम्स होती हैं, योजनाएं होती है जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो है वो घोषित की जाती है, उन योजनाओं को भी आप मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पढ़ सकते हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में मैंने ऐसी कोई चीजों का मैंने जिक्र यहाँ पर नहीं किया है। लास्ट जो आपका टॉपिक था वो था मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमने किन किन टॉपिक्स के बारे में चर्चा की, मैं आपको बता दूं। मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था के बारे में हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के तीनों पिलर्स की बात की, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में हमने विधानसभा, विधान परिषद के बारे में चर्चा की है। चूंकि मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, इसलिए हमने केवल विधानसभा के बारे में ही चर्चा की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई है, और उनसे बनने वाले जितने भी एमसीक्यू, जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसके बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की है, डिस्कशन किया हुआ है। तो एक तो मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था में ही है। सबसे अंतिम जो टॉपिक मध्य प्रदेश की पॉलिटी यानी मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था में हमने उठाया था, वो उठाया था मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन से मतलब है कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज का विकास कैसे हुआ, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत में कैसे विकास को मैंने ये भी इसमें समझाया था। और पंचायती राज के साथ साथ मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों का विकास किस तरह से रहा, और मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय किस तरह से काम करते, चुनाव प्रणाली क्या है, और किस तरह से किसको पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका और निगम कैसे बनाया जा सकता है, उनकी विशेषता क्या है। इन सभी वीडियो के माध्यम से हमने मध्य प्रदेश की इन सभी चीजों को समझा है। कुछ और छोटी छोटी फैक्चुअल चीजें होती हैं जो भले ही इसमें कवर ना की गई हो, लेकिन उनको समझना बहुत आसान है। आई होप कि इन वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, और लगभग मध्य प्रदेश जीके से जो मेंस का भी टॉपिक उठा कर आए हैं, मैंने हर एक ज्यादातर वीडियो में मैं क्वेश्चन भी दे रहा था, तो आप उन क्वेश्चन को उठा करके उसके आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूं कि आप लोग इन वीडियो को देख करके जो है आपको अच्छा लगे और सेटिस्फाई हो जाए। थैंक यू।